ओके हेलो सॉरी हेलो आज हम सीखने वाले हैं कि कौनचुआ का ट्यूब मैन टेंट कैसे लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है तरीका टेंट लगाने का। सो कौनचुआ ट्यूब मैन टेंट के तीन पार्ट है। वन, ये बेस है जो आप ये देख रहे हैं नीचे। टू, ये फ्लाई है, ये सबसे ऊपर आता है, ये वाटर प्रूफ रहता है। एंड पार्ट थ्री है ये, इसे कहा जाता है ये फाइबर की स्टिक है जिसे आप फिक्स करके, इनफैक्ट ये वैसे ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जैसे ब्लाइंड मैन स्टिक आपने देखी होगी, तो बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट पे ये भी काम करती है। तो अब हम इन तीनों पीसेज को यूज़ करके सीखेंगे कि टेंट लगाना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है ब्लाइंड मैन स्टिक, साथ में ये हुक है, ये आपके टेंट को एक्स्ट्रा ग्रिप देंगे, ज़मीन के साथ जुड़ा रखेंगे, टाई करके रखेंगे, क्योंकि हवा अगर तेज चली तो टेंट के उड़ जाने का डर रहता है, राइट। तो हम अब इन सब को यूज करके देखने वाले हैं कि कैसे लगाया जाए टेंट। स्टार्ट करेंगे, मैं ये एक्स्ट्रा सामान साइड में रखता हूँ। तो सबसे पहले काम, ये बेस है, बेस को आप ज़मीन पर इस तरह से बिछा दीजिए, बस इतना ही करना है। स्टेप नंबर टू, ये है ब्लाइंड मैन स्टिक, देखिए आप इन्हें बड़ी आसानी से फिक्स कर सकते हैं ये इस तरह से। ये देखिए, ये टाई होकर एक लॉन्ग स्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारा वन है। अब आपको इसको एक्स की शेप में, क्रॉस शेप में रखना है, तो वो साइड इस कॉर्नर पर एक्स की शेप में आपको रखना है, उस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ। और सेम तरीके से सेकंड स्टिक को भी आपको इसी तरीके से लगाना है, अगेन सेम मेथड जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। अगर आप सोलो कैंपिंग कर रहे हैं तो किस तरह से इसे यूज करेंगे उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। हर एक टेंट के कॉर्नर पे आपको इस तरह से एक हुक लगा मिलेगा, और ये ब्लाइंड मैन स्टिक का जो लास्ट पार्ट है, इस हुक को आप इसमें ऐसे फंसा सकते हैं, ओके। और सेम मेथड आप इसके साथ, ये हर एक, ये जो आपको एक टेंट यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ आप ये हुक को टाई कर दीजिए। ये देखिए, हुक को टाई करते रहिए, एंड लास्ट में देखिए, इसको जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये कर्वी शेप ले लेगा यहाँ पर। एंड सेम मेथड, ये हुक आप यहाँ लगा दीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर रेडी है आपके टेंट के लिए, ये देखिए। सेम मेथड हम यूज करने वाले हैं स्टिक नंबर टू के साथ, ओके। सो ये है स्टिक नंबर टू, सेम मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं। मैंने ये हुक इसके साथ टाई किया। हुक को पहले टाई करने का फ़ायदा ये है कि ये इसे होल्ड कर लेगा, ओके। एंड फिर ये जो हुक है, इसको पाइप के साथ ऐसे लगा दीजिए इस तरह से। सेम मेथड, हुक इसे बस ऐसे यहाँ टांग देना है, ओके। एंड सेम मेथड यहाँ, एंड द लास्ट वन, ये देखिए, ये हुक यहाँ पर। तो इस तरह से टेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। ये है कौनचुआ टू मैन टेंट, ये जिप है, ये डोर की तरह आप इसे ओपन करेंगे और यू कैन स्लिप इनसाइड देन, फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब बारी है ये जो फ्लाई है इसे इसके ऊपर डालकर टाई करने की। देखिए, आप गौर करेंगे, ये नॉर्मल क्लॉथ है, ये तब काम आता है कि किसकी वजह से वेंटिलेशन रहेगी टेंट के अंदर। और इसका एक फ़ायदा ये है कि ये आपको मॉस्किटोज से बचाएगा। फ्लाई का फ़ायदा ये रहता है कि ये एयर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और इवन स्नो प्रूफ भी है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे टाई करना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये साइड से खुली रहेगी ना तो साइड से हवा अंदर आती रहेगी। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन। आपको ध्यान रखना है कि इस फ्लाई का डोर किस तरफ है, ओके। तो डोर देखने का, ये देखिए, ये जीपर लगा है, तो ये जिपर फ्रंट साइड पर है, ये डोर जिपर है, तो मैं इसको फ्रंट पे रखूँगा जो कि ये वाला साइड होगा। तो इसका मतलब है बाकी का जो पार्ट है उसको मैं दूसरी तरफ ले जाने वाला हूँ, दूसरी तरफ मतलब बैक साइड पे जा सकता है। तो आपको गौर करना है कि हर एक
कॉर्नर में आपको इस तरह का हुक लगा हुआ दिखेगा, ये वो हुक है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और जिपर क्योंकि दूसरी तरफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बैक साइड पे लगने वाला है। तो आप इसको डाल दीजिए ऊपर एंड पे कुछ इस तरह से, ओके। एंड ये हुक, इस हुक को, ये जो सर्कल है आपको दिख रहा है, ये सर्कल में आपने बस फंसा देना है, मतलब ऐसे देखिए, इतना सिंपल है, ओके। उसे अब इस कॉर्नर पे लगाया जाएगा, तो ओके, तो ये मैंने यहाँ पर हुक लगा दिया, फ्रंट डोर का हुक, ये देखिए डोर इस तरफ है ना, तो इसको यहाँ लगाना है, ओके। तो ये हुक लगाने का सबसे अच्छा तरीका, वैसे आप पत्थर हो सकते हैं, नहीं मिट्टी है, ये अच्छी बात है, तो आप इसको ग्रिप करने वाले हैं, तो ये यहाँ पर रखिए और ये देखिए पत्थर से आप इसको ऐसे पीट करके, ये देखिए इसने पानी को भी ये बाहर रखेगा, अंदर जो वाइट वाला फ्लाई आप देख रहे थे उसमें नहीं जाएगा, तो अगर बारिश होती है तो पानी बह करके बाहर निकल जाएगा, और जो हवा है ठंडी हवा वो अब यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि टकरा करके इस पार्ट से टकरा के यहीं पे वापस आ जाएगी, क्योंकि अब उसको स्पेस जगह नहीं मिलने वाली है अंदर एंटर करने के लिए। इसी तरह से एक हुक हम लगाएंगे इसके लिए, यह आपके टेंट को एक प्रॉपर शेप में रखेगा, तो एक हुक यहाँ लगाइए इस तरह से और इसे वहाँ टाई कर दीजिए। अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि हुक ना हो या हुक शॉर्ट हो तो आप स्टोन यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन यूज कैसे किया जाए जाता है। तो लीजिए दो हुक हमने यूज कर लिए, लीजिए ये भी डन हो गया, एक ऐसे ही इसके पीछे भी लगेगा, एक हुक जैसे मैंने दो साइड में लगाए हैं इसके पीछे भी लगना है, ताकि अगर हवा उस तरफ से आ रही है तो वो ना आए, पर क्योंकि उस तरफ आप देख रहे हैं कि पत्थर है, एक प्रॉपर पत्थर की दीवार है, तो हवा आने का टेंशन नहीं है। तो मैं इसे अब कहीं यहाँ कहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, फ्रंट साइड पर इस तरह से आप इसे टाई कर दीजिए, उस तरह से टेंट हो गया रेडी। कौनसा टेंट लगाने का ये है तरीका, तो अगर टेंट लगाया जाता है, ठीक, इज़न्ट इट लुकिंग गुड, Isn't it looking good? Yeah! Okay, so ये है mattress, ये एक foam का mattress होता है, market में normally 40-50 रुपये per meter के हिसाब से मिलता है, तो 2 meter मतलब 100 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, और उसे कट करके आप अपने लिए एक mattress बना सकते हैं। तो mattress बिछाना है तो सिंपल सा तरीका है, इस तरह से बस अंदर डाल दीजिए और आपका टेंट हो गया रेडी। एक और मैट्रेस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये डिकैथलॉन से करीब करीब 500 रुपये में मिलेगा, सिंगल पर्सन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, 500 रुपये में डिकैथलॉन पे अवेलेबल है, थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि रास्ते में मिट्टी और बारिश का दिन था। तो आप इसको अगर यूज़ करेंगे, इसका बेनिफिट देखिए क्या रहता है, इसमें क्योंकि सिल्वर का एक लेयर है तो ये ज़मीन से आने वाली ठंड को बड़े अच्छे तरीके से रोकता है, रोकता वो वाला भी है, पर उसमें एक एक्स्ट्रा एडिड लेयर नहीं है सिल्वर की, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो प्राइस इसका ज़्यादा शायद इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सिल्वर लेयर ऐड की गई है। तो इसको भी बिछा दीजिए और तैयार हो जाइए टेंट में सोने के लिए फॉर अ वेरी कम्फर्टेबल नाइट इन सच काइंड ऑफ रेनी विंडी एंड चिली वेदर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now.